देश दे विच तेजी दे नाल वध रहे ने कोरोना दे फेर तो मामले। दिल्ली दे विच 500 तो वध नवे केस आए नजर। महाराष्ट्र दे अंकड़िया ने भी एक बार फिर डराया। देश दे कई सूबियां दे विच कोरोना दी रफ्तार तेजी दे नाल फिर तो वधनी शुरू हो गई है। दिल्ली महाराष्ट्र दे विच वड्डी संख्या दे विच नवे मामले सामने आ रहे ने। कोरोना दे तेजी दे नाल वधदे होए मामलियां नूं देखदे होए सेहत मंत्रालय ने लोकां नूं सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन करन, भीड़ भाड़ वाले इलाकियां तों बचन, मास्क दा इस्तेमाल करन दी अपील कीती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंगलवार को कोरोना संक्रमित हो गए ने, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करके लोगों को दी है। सीएम गहलोत का कहना है कि पिछले कुछ दिनों तो देश भर के कोविड के मामले फिर तो वधे ने। वो खुद भी हल्के लक्षणों के नाल कोविड के नाल पॉजिटिव हो गए ने। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वह अगले कुछ दिन तक अपने घर ही रहेंगे ते काम करेंगे। उन्होंने सब नू अपील करदे कहा कि तुसी भी सावधानी वरतो अते कोविड प्रोटोकॉल दा पालन करो। दिल्ली दे विच पिछले 24 घंटियां दे विच कोरोना दा ब्लास्ट होया, यानी कि कोरोना दे 521 नवे मामले मिले ने अते 216 मरीज हुण तक ठीक हो चुके ने। दिल्ली दे विच इक मरीज दी मौत भी हो चुकी है। हालांकि सोमवार दे मुकाबले पॉजिटिविटी रेट 15.64% घट होया है, पर दिल्ली दे विच फिलहाल 1710 एक्टिव केस ने। दिल्ली दे विच पिछले साल 27 अगस्त दे बाद मंगलवार नूं सब तो ज़्यादा मामले देखन नूं मिले सी। उत्थे इस तो पहले राष्ट्रीय राजधानी दे विच सोमवार नूं कोरोना दे 293 नवे मामले सामने आए सी, जदकि 2 लोकां दी मौत होई सी। महाराष्ट्र दे विच मंगलवार नूं पॉजिटिव दे 711 नवे मामले सामने आए ने, जिन्हां दे विच 218 मुंबई तो मिले ने। पंजाब दी जेकर गल करिए ते पंजाब ते राजस्थान दे विच भी काफ़ी केस सामने आ चुके। महाराष्ट्र दे विच मौत दर वर्तमान दे विच 1.82% है। सूबे दे विच 3792 सक्रिय मामले ने। मुंबई दे विच वर्तमान विच 1162 सक्रिय मामले ने अते सकारात्मकता दर 13.17% है। महाराष्ट्र दे 6 जिले सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधू दुर्ग, पुणे अते सतारा विच पॉजिटिव मरीजां दी संख्या वध है। उत्थे पंजाब दे विच कुल 73 कोरोना दे केस मिले ने। राजस्थान दे विच 29 नवे केस मिले ने अते एक मरीज दी मौत हो चुकी है। उत्थे कर्नाटक दे विच भी पिछले 24 घंटियां दे दौरान 324 नवे मामले सामने आए ने अते एक मरीज दी मौत हो चुकी है। सूबे दे विच हुण तक 1411 मामले पॉजिटिव पाए गए ने। इस दौरान सेहत मंत्रालय वालों गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत उन्होंने वालों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की गई है, तो लोगों को दूरी बना के रखने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN राय।